हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब लोग? आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यूपी में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले भी इसका काफी वीडियो सपोर्ट करी है, जिसकी चैनल पे एक अलग से प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी हेल्पफुल होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता डैश है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन डैश, नॉमिनल रियल पर्सनल नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो वहां पर शेयर और डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेयर अकाउंट होगा किस तरह का अकाउंट, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के रूल में कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, नॉमिनल होते हैं और रियल अकाउंट होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की, क्योंकि जितने भी एंट्रीज करते हैं हम आगे कितने भी तरह की अकाउंटिंग पढ़िएगा, तो ये बेसिक जो तीन आपके अकाउंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, जितने भी तरह के हम एंट्रीज करते हैं उसी के ही अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस तरह का खाता होगा, किस तरह का अकाउंट होगा, वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना डैश कहलाता है, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इज कॉल्ड डैश, डीमटेरियलाइजेशन, प्राइस रिगिंग, रीमटेरियलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली शेयर्स आपके पास होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तो वहां पर उसको शेयर के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, अंश मिलते हैं, तो उनका भौतिक रूप से ना लेकर के अगर हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जितनी भी चीजें हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक मनी है उसका यूज करते हैं, कैश में बहुत कम ही चीजें रहती हैं। तो आज के टाइम में जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी हमारे पास प्रमाण पत्र हैं या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी हम ऑनलाइन ही रख रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, जो भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में चेंज करवाना, तो इसमें भी यही चीज रहती है कि जो अंश होते हैं जब उनको हम भौतिक रूप में अपने पास ना रख करके, जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसे डिपॉजिटरी कंपनीज बोलते हैं, जो कि इस तरह की प्रतिभूतियों को जमा करती हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसको इलेक्ट्रॉनिक उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि आप अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं बैंक में, और उसके लिए पासबुक पे एंट्री हो जाती है, अगर आपको किसी को भी देना है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, या साथ ही चेक के माध्यम से या और भी किसी माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। ठीक ऐसे ही इसमें भी रहता है कि हम जो डिपॉजिटरी कंपनीज होती हैं उनके पास अपने जो भी हमारे शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसे इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसकी एक स्टेटमेंट या एक विवरणी कहिए वो दे देते हैं। यही कहलाता है अभौतिकीकरण या फिर डिमटेरियलाइजेशन। इसमें रहता है कि अपने पास हम जैसे कैश में नोट रखते हैं, नोट ना रख करके हम क्या रख सकते हैं, बैंक में जमा करके एक अपने पास उसकी जो पासबुक है उसमें एंट्री करवा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक मनी होती है इसके माध्यम से, या जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है ऑनलाइन ट्रांसफर करवा रहे हैं वो सब। ठीक उस तरह वैसा ही इसमें शेयर्स में भी रहेगा, ये कराना कोई कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ एक सुविधा की दृष्टि से, एक अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आसानी के लिए ये काम किया जा सकता है, क्योंकि तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीजें भी डिजिटल हो रही हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है, द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ डैश, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नन ऑफ द अबव। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब डिबेंचर्स होते हैं जो उनको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो अगर डिस्काउंट पे किया जा रहा है तो वो किस स्वरूप का होता है, या अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो एक हानि हो रही है तो वो किस तरह की होती है, अस्थगित राजस्व व्यय हो जाएगा, या फिर पूंजीगत हानि होती है, राजस्व हानि होती है, या फिर उससे कोई नहीं, तो ये किस तरह की हानि होती है, क्योंकि कैपिटल है आपकी जो डिबेंचर्स होते हैं जो कलेक्ट किया जाता है, तो पूंजी ये होती है एक तरह से कंपनी के लिए, वो हो जाता है आपका कैपिटल लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर हानि को माना जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज,
मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटैंगिबल एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। आपको ये तो पता चल गया कि हानि है, कैपिटल लॉस है, लेकिन उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं उसमें उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, या फिर जो आपके कहाँ पर प्रॉफिट लॉस में है कहाँ पर दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपकी बैलेंस शीट में। जो आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं उसमें कहाँ पर दिखाया जाएगा? जो कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक एसेट दूसरा लायबिलिटी। जो एसेट साइड होता है उसमें आप फिक्स एसेट पड़ती हैं, आपकी इंटैंगिबल है या करेंट एसेट पड़ती हैं, उसके बाद आपके पड़ते हैं मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर्स डाले जाते हैं, उसी में ही इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अधिकार अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स, बोरोअर्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो प्राधिकार अंशधारी हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, तो प्राधिकार अंशधारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, और ये जो होंगे अंशधारी वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसओपी का अर्थ है। एएसओपी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज शेयर ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्रोसेस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज शेयर्स ओनर प्लान। तो ESOP क्या है आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो ESOP होगा इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो होता क्या है, इस कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना से कहा जाएगा। इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी होती है, जो उसके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको एक ऑप्शन देती है कि वो चाहें तो अपने कंपनी जो है, जिस कंपनी वो काम कर रहे हैं उसके अंशों को, उसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं भविष्य में जो भी पूर्वनिर्धारित मूल्य होंगे उन पर अंश खरीदने का एक विकल्प देती है। ये पूर्णतः वॉलंटरी है, उनकी इच्छा पर है, वो चाहें तो खरीद सकते हैं, ना चाहें तो ना खरीदें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे अंश हैं जो जारी किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इश्यूड टू डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दिस। यानी कि जो अधिकार अंश होते हैं वो किस व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं या किस तरह से जारी किए जाते हैं? जो संचालक या निदेशक होते हैं, या फिर जो प्रवर्तक होते हैं, या जो पहले से ही मौजूदा अंशधारक होते हैं उनको, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो जो अधिकार अंश है, तो पहले नाम से क्लियर हो रहा है राइट शेयर्स, यानी कि किसी का इस पर पहले से प्राधिकार होगा, तभी इनका नाम अधिकार अंश पड़ा। किसका अधिकार होता है पहले से? वो हो जाते हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं। जब भी अधिकार अंश को जारी किया जाएगा तो पहले उनको दिए जाते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं या लेने से मना कर देते हैं तब हम दूसरे व्यक्तियों को जारी कर सकते हैं, लेकिन पहले उनका अधिकार जो होता है, पहले से ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के पुनः जारी करने पर लाभ डैश में स्थानांतरित किया जाता है। द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू डैश, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो अंश होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अंश होते हैं उस पर कॉल्स होती हैं, अगर किसी को कोई कॉल नहीं दे पा रहा है या पूरी नहीं कर पा रहा है जो शेयर होल्डर है वो, तो कंपनी अपने अंशों को फॉरफीचर भी कर सकती है, अंशों का हरण कर सकती है, अंशों को जब्त कर सकती है। उसके बाद जब्त कर लेने के बाद दोबारा से उन अंशों का रीइशू कर दिया जाता है, उन अंशों को दोबारा से पुनर्जारी किया जाता है। तो जब हम उसको दोबारा से जारी कर रहे हैं, दोबारा से रीइशू कर रहे हैं, उसके बाद उससे जो हमें प्रॉफिट अगर हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अपने किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या किस रिजर्व में हो जाता है? तो यहाँ पर वो किस में जाएगा, वो जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल में जाते हैं, इस वजह से उसको हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाते में डैश भुगतान किया जाता है। When shares are forfeited, share capital account is debited by dash paid up, amount of shares, called up amount of shares, face value of shares, uncalled capital. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शेयर्स को, जो अंश होते हैं उनको हरण कर लिया जाता है, उनको फॉरफीचर कर लिया जाता है, तो वहां पर जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो कितने अमाउंट से या किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? अंशों की जो राशि होगी उससे, अंशों पर मांगी गई राशि से, अंशों का जो अंकित मूल्य होगा उससे, या फिर ना मांगी गई पूंजी से,
यहाँ पर आपको एंट्रीज याद होनी जरूरी होती हैं। अगर एंट्रीज आपको अच्छे से याद हैं सारी, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि कहाँ पर हम किसको या किस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब भी जर्नल बना रहे होते हैं, वहां पर जो जर्नल्स के बेसिक रूल होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल तो दोनों साइड का इक्वल आ जाता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमाउंट से करते हैं, वो हो जाता है जितनी भी राशि अंशों पर मांगी जाती है उस अमाउंट से ही हम उसको डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध कराने के लिए समता अंश जारी करने को कहा जाता है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ आर मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज नोन एज। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ कन्वर्टेबल शेयर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कह रहा है कि जो बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसका राइट किस तरह से लिया जाएगा या किस तरह से उस पर जो भी नियम होते हैं या जो भी उस रेगुलेशन होते हैं कैसे किए जाएंगे। वो व्यक्ति जो एक काम कर रहा होता है उसको अगर हम शेयर्स के रूप में भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसका रेमुनरेशन शेयर्स के रूप में दे रहे हैं, तो उस तरह के शेयर्स को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाते हैं स्वेट शेयर्स या फिर स्वेट अंश। तो आपने पढ़ा होगा स्वेट अंश जो जारी किए जाते हैं किसको किए जाते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं उनको कभी कभी रेमुनरेशन के बदले में दिया जा सकता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है दिला रहा है उसको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों का शेष है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो प्रॉफिटर शेयर्स होते हैं जिनका हरण कर लिया गया है, उनका अगर बैलेंस कुछ बच रहा है, तो वो अमाउंट किस में ट्रांसफर किया जाता है या उसका जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर हम करते हैं? वो तो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराकरण के लिए अंशधारकों द्वारा कंपनी को अंशों की स्वैच्छिक वापसी को कहा जाता है। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर स्वेच्छा से अपने आप वॉलंटरी कोई शेयर होल्डर है या कोई अंशधारक है अपने अंशों को, अपने शेयर्स को कंपनी को वापस कर रहा है कैंसिल करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एक तो उसका हरण कर लिया जाता है कि जो अगर वो अपने जो भी कॉस्ट थी या जो भी मांगी गई राशि थी वो नहीं चुका पाया तो अंशों का हरण कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्वेच्छा से वॉलंटरी अपने जो शेयर्स होते हैं कंपनी को समर्पण कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं उनको कैंसिलेशन के लिए, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर वो कहलाता है हस्तांतरण में, तो हो जाता है जब एक अंशधारी दूसरे व्यक्ति को अपने अंशों को ट्रांसफर कर देता है। अंशों के हरण में कंपनी स्वयं अपने अंशों को जो वापस ले लेती है। पुनः खरीद में रहता है कि कंपनी मार्केट से अपने अंशों को वापस खरीद रही है, तो वो बायबैक ऑफ शेयर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंशों का आत्मसमर्पण, सरेंडर करना अपने शेयर्स को। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक डैश अंशों का एक समेकन है। स्टॉक इज ए कंसोलिडेशन ऑफ डैश शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, फुली पेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, स्वेट शेयर्स। क्वेश्चन में कह रहा है जो स्टॉक होता है, आपने स्टॉक के बारे में पढ़ा होगा, जो अंशों की डिफिनेशन दी जाती है वहां पर शेयर्स में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। तो किस तरह के शेयर्स होते हैं जिसको हम स्टॉक में परिवर्तित करवा सकते हैं? तो पूर्ण शेयर्स जो होते हैं, जो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, उनको भी हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पार्टली पेड है तो उनको हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे स्टॉक में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अधिकार अंशधारक डैश के निश्चित दर के अधिकारी हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड रेट ऑफ डैश इंटरेस्ट, डिविडेंड, कूपन, कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पदाधिकार अंशधारक होते हैं, एक तो आपके समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो डिफरेंस इतना होता है कि जब भी लाभांश बांटने की बात आती है, डिविडेंड दिया जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इसलिए पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है और उनकी एक निश्चित दर होती है, एक उनका पहले से ही फिक्स रेट होता है। आपने पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो साथ में एक जो अमाउंट, जिस अमाउंट से उनको मिलना है, जिस परसेंट पर उनको डिविडेंड मिलना है, वो परसेंटेज पहले ही क्वेश्चन में आपके दे रखी होती है साथ में।
तो यहाँ पर वो किस चीज को पाने के अधिकारी होते हैं, एक निश्चित दर से अपना लाभांश पाने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साथ ही जब भी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो भी सारे जितने भी क्रेडिट्स होते हैं सबको चुकाने के बाद जो कंपनी के पास बचता है धनराशि अमाउंट, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी पूंजी को लौटाया जाता है, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी। ये डिफरेंस हो जाता है परिकर हितधारकों और समता हितधारकों में। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश के अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है। द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर रिडेम्पशन अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना अंश का एक अंकित मूल्य है, अंश की जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अगर राशि प्राप्त हुई जा रही है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। अक्सर जो आपने जिसके मेलकर जब लगाए होंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जितना राशि उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस अमाउंट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अंश पूंजी खाते में, अंश मोचन खाते में, अंश प्रीमियम खाते में, अंश याचना खाते में। तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। अगर 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए का मिल रहा है, यानी कि आप 10 रुपए का शेयर कोई कंपनी है किसी शेयर होल्डर को 12 रुपए में दे रही है तो 2 रुपए क्या हो जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के होते हैं। अगर 9 रुपए में देगी तो 1 रुपए क्या हो जाएगा, 10 का शेयर 9 रुपए में दिया 1 रुपए डिस्काउंट है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कम में मिला ना, 10 का शेयर 9 रुपए का मिला, लेकिन 10 का शेयर 12 रुपए का मिला तो वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। स्वॉट विश्लेषण में शामिल नहीं है। स्वॉट एनालिसिस डजंट इंक्लूड वीकनेस आर डिफेक्ट्स, स्ट्रेंथ आर पार्ट्स, अपॉर्चुनिटी एबिलिटी आर एबिलिटीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्वॉट विश्लेषण होता है, आपने पढ़ा होगा स्वॉट विश्लेषण के बारे में, क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। अगर आपको पता होगा कि स्वॉट विश्लेषण क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म पता होगी, तो आप आसानी से ये जान पाएंगे कि इसमें क्या शामिल नहीं होता। दोष या कमियाँ, ताकत या शक्तियाँ, अवसर या मौके, योग्यता या क्षमताएँ। तो स्वॉट विश्लेषण में जो शामिल नहीं होगा, तो स्वॉट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एस फॉर हो जाता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर हो जाता है वीकनेस, ओ फॉर हो जाता है अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर हो जाता है थ्रेट्स। यानी कि एस फॉर जो स्ट्रेंथ है मतलब शक्तियाँ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस यानी कमजोरियाँ, हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, और थ्रेट्स हो जाएगा चुनौतियाँ। ये चार चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ पर हमारा कंट्रोल होता है, बिजनेस पर कंट्रोल होता है, और कुछ पर नहीं होता। हमारी शक्तियों पर हमारा कंट्रोल है, हम जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। हमारी वीकनेसेस हमको पता है, उस पर काम करके उसे अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केट से हमें मिल रही हैं, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, जो मार्केट में लगातार बनती रहती हैं। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, हमारी जो इकनॉमी है उसमें जो नीतियाँ हैं गवर्नमेंट की उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनेशनल एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। और साथ ही जो थ्रेट्स होते हैं कि जो दूसरा हमारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं या विदेश से अलग से, क्योंकि आज के टाइम में तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो सब थ्रेट्स हैं, उन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं रहेगा स्वॉट विश्लेषण में, तो वो हो जाएगा योग्यता या क्षमताएं, यानी कि एबिलिटीज आर एबिलिटी, ये हमारे शामिल नहीं होता स्वॉट में। बाकी ये सारी चीजें स्वॉट एनालिसिस में आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक जमा मुख्य स्रोत है। यहाँ पर आपको बताना है जो सार्वजनिक जमा होती है यानी कि पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स ऑफ, किसका मेन सोर्स होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, मीडियम टर्म फाइनेंस का, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा फाइनेंस के बारे में कि जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह का होता है, कि जब भी किसी कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है तो शॉर्ट टर्म भी ले सकती है और लॉन्ग टर्म भी ले सकती है। तो यहाँ पर जो पब्लिक डिपॉजिट्स होता है वो किस तरह का होगा, लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा या फिर मीडियम होगा। जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं यानी कि जो सार्वजनिक जमाएं होती हैं, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होती हैं, कम समय के लिए, यानी कि लघुकालीन वित्त होता है, यानी लघुकालीन वित्त की सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड। यानी कि जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब भी किसी बिजनेस की स्टार्ट कर रहे होंगे, शुरुआत कर रहे होंगे, तभी हमको आवश्यकता होगी। एट द बिगनिंग ऑफ बिजनेस, इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस एट ऑल लेवल्स। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनिशियल है प्रारंभिक पूंजी होती है, उसकी आवश्यकता कब होती है, व्यवसाय की शुरुआत में, व्यवसाय के विस्तार में, व्यवसाय के आधुनिकीकरण में, या फिर सभी स्तरों पर। तो जो प्रारंभिक पूंजी हम लगाते हैं उसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है, व्यवसाय की शुरुआत में पड़ती है, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर
इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, वो क्या करता है, यानी कि वो जो है जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाता है, या फिर रोजगार का सृजन करता है, या फिर दोनों ही करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक उद्यमी होता है वो रोजगार को बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे करता है क्योंकि वो कुछ नया विचार लाता है, कुछ नया थॉट लाता है, कुछ नई चीज़ें बनाता है, नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ती है, जब मार्केट बढ़ती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिससे ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। तो से क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एन एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक उद्यमी होता है वो किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आर्थिक विकास करने में, राजनीतिक विकास में, धार्मिक विकास में, उनमें से कोई नहीं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि उद्यमी है उसका काम क्या होगा कि जो है वस्तुओं को बनाना, नए नए प्रोडक्ट को बनाना, उसको मार्केट में सेल करना, जिससे कि क्या होगा जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हो सकेगा, उसके स्वयं की भी, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको उससे जो है क्या मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, लोगों को भी अच्छी वस्तुएं नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलेंगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो आर्थिक विकास में सहायक होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास जो संस्थान है जो उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, या किसके सरकार के द्वारा की गई है। तो उसकी स्थापना जो की थी वो गुजरात सरकार ने की थी। कब की गई थी इसकी स्थापना जो की गई थी 1983 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर टेक्स बर्थ इज मेड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको, आपने सुना होगा नेतृत्व के बारे में भी, लीडरशिप के बारे में भी ये बात कि जन्मजात होते हैं लीडर्स जो होते हैं, उनमें नेतृत्व गुण जन्मजात होता है या फिर उनको विकसित किया जाता है। ठीक वैसे ही उद्यमी के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्मजात होते हैं या फिर उन्हें विकसित किया, दोनों ही चीज़ें सही हैं, जन्मजात भी होते हैं। कुछ लोगों में अपने आप ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर से होता है, वो कुछ नया कुछ बना जाते हैं, कुछ नया कर जाते हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप करते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश में। और साथ ही अगर बात करें हम कि बनाए जाते हैं, तो आज के टाइम में बहुत से उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें नए नए प्रोग्राम्स हैं, जिससे उनकी इन स्किल्स को डेवलप किया जाता है नई नई चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर उन्हें बनाया भी जाता है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व है लीडरशिप इज एसेंशियल प्रोसेस, अननेसेसरी प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लीडरशिप होती है, क्योंकि एक उद्यमी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुण है या कहीं एक मेरिट है जो होनी ज़रूरी होती है उद्यमी में लीडरशिप की क्वालिटी, तो क्या होगी एसेंशियल होगी, एक अननेसेसरी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। सिर्फ उद्यमी का काम एक कुछ नया सोच करके, कुछ नया थॉट ला करके ख़त्म नहीं हो जाता है कि कुछ नया विचार लाया, उसने कुछ नई चीज़ खोजी, कुछ नवाचार किया, कुछ इनोवेशन किया, वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। कैसे उसको प्रोसेस ने पूरा लेकर आया और कैसे मार्केट में उतारे और किस तरह से उस चीज़ की जो है वैल्यू को बढ़ा करके मार्केट को इंक्रीज करे, डिमांड बढ़ाए, ये तो उसका लगातार चलता ही रहता है। और आज के टाइम में तो आप देखेंगे हर प्रोडक्ट पर ये लिखा होता है, देखा ही होगा न्यू इंप्रूव्ड हर प्रोडक्ट पर, कि वो लगातार कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीटर इतने ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उद्यमी का कार्य होता है वो लगातार चलता रहता है, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी जो रहेगी वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं, फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज हैज़ द पावर टू लीड, हैज़ द राइट टू लीड, मोटिवेटेड टू लीड, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनुयायी होते हैं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक लीडर है उसके जो फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको फॉलो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि उसमें नेतृत्व करने की शक्ति होती है, नेतृत्व करने का अधिकार होता है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, इनमें से कोई नहीं, वो नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि वो एक्साइटेड होता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड होता है कि वो लीड करे, वो करना चाहता है लीड। आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखा आपने कि जो उसको टीम का लीडर बना दिया, वो बहुत टायर्ड सा थका हुआ सा है, तो क्या होगा उसकी टीम भी वैसे ही होगी, वो भी ढंग से काम नहीं करेगी। लेकिन अगर उसका जो लीडर होगा वो मोटिवेटेड है और पूरी तरह अच्छे से डिटर्मिनेशन से काम कर रहा है, तो उसकी टीम भी क्या होगी मोटिवेटेड रहती है, तो इसलिए वो प्रेरित रहेगी। तो यहाँ पर लीडर को फॉलो करते हैं फॉलोअर्स, क्योंकि वो प्रेरित होता है, अभी प्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी।
और एक उद्यमी में भी मोटिवेशन का एक गुण होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मोटिवेटेड नहीं होगा तो नई चीज़ें वो खोज भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर यानी कि नेतृत्वकर्ता एक्सर्ट प्रेशर ऑन द फॉलोअर्स, अट्रैक्ट फॉलोअर्स टू हिमसेल्फ, ड्रॉस फॉलोअर्स टुवर्ड्स हिम, नन ऑफ दीस। एक नेतृत्वकर्ता जो होता है वो क्या करता है, अनुयायियों पर दबाव डालता है, बनाता है, अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अनुयायियों को अपनी ओर खींचता है, इनमें से कोई नहीं। जो लीडर होता है, लीडर आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं तो ऑटोमेटिक लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि हम सब ने जो है संदीप महेश्वरी की वीडियोज़ देखी होंगी, संदीप सर की, तो वो जब बोलते हैं कुछ बताते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक उनकी पूरी वीडियो में हम लोग का ध्यान इधर से उधर नहीं होता, पूरी टाइम हम मोटिवेटेड रहते हैं और काफ़ी टाइम तक वो वीडियो हम लोग के उस पर काफ़ी इफेक्ट डालती रहती है माइंड पे। जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो हम उन्हीं की वीडियोस को देखते हैं कि हम मोटिवेट हो सके, कुछ अलग हमको समझ में आता है, कुछ अलग जो है चीज़ें हमको मिलती हैं, थॉट प्रोसेस बनती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी पावर है या ऐसा से कह सकते हैं कुछ ऐसा क्वालिटी है जो हमको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ या उनकी बातों को सुनने के लिए। तो नेतृत्वकर्ता जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर मोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पृष्ठभूमि प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इज हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, इट इज़ ए स्पीड ब्रेकर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यावसायिक जो पृष्ठभूमि होती है उद्यमता विकास में सहायक होगी, उद्यमता विकास के निरीक्षण में सहायक है, आर्थिक विकास का गति अवरोधक है, आर्थिक विकास पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि होती है यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में या जिसका जो है बैकग्राउंड जो रहा है वो व्यावसायिक ही रहा है, उसके घर में सब बिजनेस ही करते आ रहे, तो क्या होता, कहा जाता है कि उस व्यक्ति की तो खून में बिजनेस है, तो क्या होगा उसके जो पहले की जो फैमिली है या उसके जो फादर हैं या उसके ग्रैंड फादर हैं वो सब बिजनेस ही कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, ये जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी होंगी कि कैसे वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो व्यावसायिक पृष्ठभूमि जो होती है वो उद्यमता विकास में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कहीं बिजनेस कर रहा है उसकी जो आगे की जनरेशन हो वो भी बिजनेस ही करे, वो अपना कुछ अलग भी कर सकती है। खाली एक बात ये होती है कि हाँ ऐसा एस्पेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होंगी, तो इसलिए का एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यापार नीति क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंक्रीज इन इम्पोर्ट। तो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो भारत है वहाँ उसकी व्यापार नीति क्या है, कि निर्यात में वृद्धि करे, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि, और या फिर आयातों में वृद्धि। तो जो भारत है इसकी जो बिजनेस पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, वो हो जाएगी आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि, यानी कि जिन वस्तुओं का हम जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं उसको हम आयात करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है विदेशों से, तो उसको हम प्रतिस्थापित करें नई चीज़ों के साथ जो अपने देश में ही बन रही हैं, अपने देश में डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम निर्यातों को करें, एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम इम्पोर्ट कम करें, इससे कि क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी वो हमारे यहाँ आएगी और इससे पूंजी निर्माण में हेल्पफुल रहेगा, सहायता होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन जुलाई 1991, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1991 में जो नई औद्योगिक नीति आई थी तो उसका लक्ष्य क्या था, क्योंकि आपने 1991 में सुना था औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई नई जो नीतियाँ आई थी, काफ़ी जो लिबरल हुई थी गवर्नमेंट, उदारीकरण की नीति आई थी, काफ़ी बहुत से ऐसे व्यवसाय थे जो कि निजी क्षेत्र को दिए गए थे, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए थे, सिर्फ कुछ ही व्यवसायों को रखा गया था जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में थे, बाकी सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, जिससे कि औद्योगिकरण को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो है औद्योगिकरण बढ़े। तो यहाँ पर उसका जो लक्ष्य था, ये तीनों ही लक्ष्य होंगे, उदारीकरण भी, वैश्वीकरण भी और खुली अर्थव्यवस्था भी। एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसलिए ऐसा किया गया था कि जो है निजी क्षेत्र को दिया गया था, जिससे कि लोग नए नए आगे आए और नया नया बिजनेस करें, उद्यमी आगे आए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके देश में, ज़्यादा से ज़्यादा देश का डेवलपमेंट हो सके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे उद्यमियों को सहायता करने वाली सरकारी संस्था कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी टू हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो
छोटे उद्यमी हैं, क्योंकि आपने सुना होगा स्मॉल स्केल पर भी बिजनेस होता है, लार्ज स्केल पर भी होता है, तो जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके पास इतनी हेल्प नहीं होती है कि वो खुद से अपने किसी भी स्टार्टअप को शुरू कर सके, तो उनको आवश्यकता होती है पैसे की, मनी की। तो वहाँ पर कौन से संस्था या कौन सा सरकारी एजेंसी जो उनकी हेल्प करती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो उसमें हेल्प करती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उद्यमिता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्स एज डैश इन्वेस्टर एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उद्यमिता जो होती है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसे निवेशक, नियोक्ता, स्वरोजगार या रोजगार चाहने वाला, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? और रोजगार कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद ही चीज़ों को डेवलप करता है, नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसलिए उद्यमी क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME का मतलब है, यानी कि उसका क्या अर्थ होता है? MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है MSME है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो क्या हो जाएगी? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।